घर बनाने ले रहा है, ऐसा कोई नहीं करता। बाकी की जमीन बची वो भी हड़प लोगे आधे घंटे में खाली खड़ा भैया, वरना जमीन के सामने कहा के बैठ जाऊंगे। अरे मैडम जी बैठ जाइए, मैम बैठी है भैया। अमेठी में घृणित स्मृति ईरानी, जनता बोली अरे मैडम जी बैठ जाओ। स्मृति ईरानी का उनके ही संसदीय क्षेत्र में लोगों ने फैक्ट चेक कर दिया। वो सोच रही थी कि लोगों के सामने खड़े होकर कुछ भी बोल सकती हूँ, लेकिन अब लोगों को उनकी ये बातें पसंद नहीं आ रही हैं। लोग स्मृति ईरानी से बोल रहे हैं आप बैठ जाओ। दरअसल अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र में जनसंवाद यात्रा कर रही हैं और इसी जनसंवाद यात्रा के साथ वो टिकट माफी पहुंची और यहाँ के लोगों की समस्याओं को सुनने लगी। इसी बीच कुछ ऐसा हो गया, लोगों ने स्मृति ईरानी को कुछ ऐसा जवाब दे दिया शायद जिसके बाद अब स्मृति ईरानी कभी लोगों के सामने अपनी वाहवाही करवाने के लिए ज्यादा ना बोले। पहले आप लोग भी ये वीडियो देख लीजिए। घर बनाने ले रहा है, ऐसा कोई नहीं करता। बाकी की जमीन बची वो भी हड़प लोगे आधे घंटे में खाली खड़ा भैया, वरना जमीन के सामने कहा के बैठ जाऊंगे। अरे मैडम जी बैठ जाइए, मैम बैठी है भैया। ए भैया, तो देखा आपने इस वीडियो में स्मृति ईरानी काफी सारे लोगों के बीच खड़ी हैं, लोगों की बातों को सुन रही हैं और इसी बीच एक शख्स अपनी जमीन पर कब्जे की शिकायत लेकर उनके पास पहुंचा। उसने कहा कि लेखपाल मेरी जमीन पर किसी और को कब्जा दिलवा रहा है और मेरे विरोध दर्ज कराने पर वो कहते हैं कि जाओ जहां मन करे शिकायत कराओ। जब स्मृति ईरानी ने ये बात सुनी तो उन्होंने सोचा यही मौका है कैमरों का फोकस अपनी तरफ करने का, इसलिए वो लेखपाल को फटकार लगाते हुए कहने लगी कि आप खुद मान रहे हैं कि जमीन इनकी है, फिर क्यों दूसरे का कब्जा करवा रहे हो उस पर? ऐसा कोई नहीं करता। बाकी की जमीन बची है वो भी हड़प लोगे, आधे घंटे में जमीन खाली कराइए वरना जमीन के सामने मैं आकर बैठ जाऊंगी। यहाँ पर स्मृति ईरानी दिखाना चाह रही थी कि वो लोगों की बातों को कितना सुनती है। अगर लेखपाल जमीन खाली नहीं करवाएंगे तो वो धरना देंगी, लेकिन अब लोग तो लोग ही ठहरे, वो जानते हैं बीजेपी की सच्चाई, तो उन्होंने भी स्मृति ईरानी को बढ़िया सा जवाब दे दिया। भीड़ में खड़े एक लड़के ने ही सांसद साहिबा को बोल दिया अरे मैडम जी बैठ जाइए, मैम बैठिए। मतलब स्मृति ईरानी जो लोगों को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मगर उन्हें क्या पता था कि लोग उन्हें धरने पर बैठने के लिए बोल देंगे। स्मृति ईरानी धरने पर तो नहीं बैठी, लेकिन इस वीडियो से ये साफ हो गया कि आजकल कैसे बीजेपी वाले जो लोग हैं उनकी कितनी इज्जत रह गई है। भरी सभा में उनका जवाब दिया जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी वाले तो ठहरे बीजेपी वाले, लोग कितना ही कुछ कह ले मगर इन लोगों पर कहाँ असर होने वाला है, क्योंकि ये तो हैं ही बस झूठ बोलने के लिए और बड़ी बड़ी बातें करने के लिए। फिर चाहे इनकी सच्चाई सबके सामने हो और इन्हें पता भी हो कि जो लोग हैं उनकी सच्चाई सब जान चुके हैं, लेकिन इन्हें तो अपनी वाहवाही करवाने से ही मतलब है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।